हेलो एंड वेलकम बैक टू द आफ्टर मून शो सीजन 2। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, ये हमारा चाय या ठंडा सेगमेंट है। इसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ मजे मजे की रिडल्स, ठीक है? आप इनके लिए कार्ड निकालेंगी और आप इनके लिए कार्ड निकालेंगे, और जो गलत जवाब देगा उसे पीना पड़ेगा एक ब्रेन बूस्टर, जो उसके ब्रेन को बूस्ट करेगा ताकि वो आगे जिंदगी में कभी गलत जवाब ना दे सके। अच्छा, बताइए, आप निकालिए सानिया जी के लिए। मुझे खुद पकड़ना है या सानिया को? मुझे दे दे, पढ़ना पड़ना नहीं आपसे, उसमें जवाब भी लिखा हुआ ये वाला। ठीक है, ये सानिया जी के लिए, और आप बताइए। ये वाला, ये हो गया। एक छत पे लगे पंखे को आप बगैर जख्मी हुए हाथों से कैसे रोक सकते हैं? आप नहीं बता सकते, आपका तो मुकाबला है उनके साथ। अरे कोई मुकाबला नहीं, मुकाबला है भाई, मेरा कोई मुकाबला नहीं। अरे एक मिनट, अरे भाई का बटन बंद कर दें जो नीचे लगा है। देयर यू गो, वेरी गुड। वैसे मैंने वो हाथ से भी एक आध दफा कोशिश की, वो जिसका पैंदा सा। अच्छा, होता कुछ भी नहीं है वैसे, अगर हाथ भी डाल देना। नहीं, हेलो, हाँ मतलब पर टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन कटता वटता नहीं है। इंसान टेढ़ा नहीं होता। हाँ, इंसान थोड़ा मजबूत होता है। आपने घर में बिल्कुल ट्राई नहीं करना, किसी दोस्त के घर कर लो, अपने घर में। अच्छा सानिया जी, आप बताएंगी। हाँ जी। परिंदे सर्दियों में जुनूबी जानिब क्यों उड़कर जाते हैं? जुनूब की तरफ। टेक्निकली तो सही जवाब वुड बी के वहाँ गर्मी होती है और वहाँ बर्फ होती है, बट I don't think कि ये पूछ रहा है, क्योंकि वो चल के जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना कि ये कुछ पूरा फाती सवाल पूछ रहा होगा। सानिया जी, कौन सा रंग पसंद करेंगे आप इनमें से? व्हाइट, द व्हाइट, एंड देन ग्रीन पेट में झंडा बन जाएगा। और देखो, खूनी इंकलाब के लिए मैं कह रही हूँ कि इसको जरा सा इधर उधर करूंगी तो बहुत गड़बड़ होगी। हाँ, यही तीन रंग भाई, बहुत पॉलिटिकल चल इनका दिमाग। मैं तो कहता हूँ इसको फोकस करें, समझे इस बात को, ये इतना ही काफी है। सानिया जी, अब आप निकालेंगी सहमत के लिए। ये वाला सहमत आप निकालेंगे सानिया जी के लिए। जी ये वाला, ये वाला पहले सानिया से पूछेंगे। वो कौन सा परिंदा है जिसका नाम फ्रूट का नाम भी है? वो कौन सा परिंदा है जिसका नाम फ्रूट का नाम भी है? प्यारे बच्चों, मैंने प्यारे बच्चों का उसने तो मैं आपको कह रहा था, मतलब होनहार एक नौजवान, ये सब मिले हुए आपस में। बिक गई, वो क्या है जिसको हर शख्स तोड़ने के बाद खुशियां मनाता है? तो काफी चीजें तोड़ने की खुशियां मनाता। मैं भी, आप ग्लास ग्लास तोड़ते नहीं, गुस्सा मनाता हूँ। हाँ, वो तो खुशियां तो नहीं मनाते ना, तोड़ने के बाद नहीं आएगा आपको, मुझे पता है, आपके चेहरे पे नजर आ रहा है, नहीं आएगा आपको। हाँ, समझ, एक हो जाए। आप पहले बताएंगे या बाद में बताएंगे? बाद में। रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद खुशी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। सोच रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड तोड़ने के बाद खुशियां मनाते हैं सब। कुछ बीच में से माकूल सवाल है और कुछ यही तो बात है। मैं भी तो थोड़ा नामाकूल हूँ और कुछ माकूल भी हूँ, यही गेम है। सानिया जी, आप बताइए सहमत के लिए। ये वाला, और सहमत आप, ये वाला ठीक हो गया। पहले सानिया जी से पूछते हैं, वो कौन सा जानवर है जिसके दांत हैं और वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है और उड़ता भी? ये सारे जानवरों के सवाल ये आपको नेशनल ज्योग्राफी लग रही है, इनको लग रही है, ये निकाल के दे रहे हैं मुझे तो। दांत जहाज में बैठा हुआ इंसान, ये जवाब बिल्कुल 5, 4, 3 जहाज में बैठा हुआ इंसान, या जहाज में बैठी हुई बिल्ली, कोई भी चीज, या जहाज में बैठा कोई भी चीज जहाज में। चमगादड़, चमगादड़ सही सवाल था, नहीं तो माकूल सवाल था। पिए सानिया जी के पीने पे तालियां। इतने
इतने मीठे यार, दिस इज इनसेन यार। देखिए अब हम आपको मिर्चों वाली चीज खिलाते हैं, आपके दिमाग में चीनी है, ये तो दिमाग का तो नहीं नहीं बिल्कुल इसमें चीनी नहीं, नजर ही नहीं आ रही चीनी उसके अंदर। वो क्या है जो कदम कदम पे ठोकर खाती है लेकिन फिर भी उसके पीछे लोग भागते हैं? फलसफा है इसमें? मोहब्बत, बहुत फलसफा। मोहब्बत, मोहब्बत इतना फलसफा नहीं है। किस्मत, जिंदगी नहीं, किस्मत बिल्कुल भी नहीं। तो कदम कदम पे ठोकर खाती है लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे भागते हैं, पीछे भागते हैं। यार सवाल देख तो बेटे समझ आ रहा है, पुट्ठा वाला है सीधा वाला है? हाँ ये भी समझ आ रहा है, सीधा वाला है, सीधा वाला है, सीधा वाला है, सीधा वाला सवाल। चुती कोशिश करो, चुती चुती ना टुडे मार के पीछे दौड़ता जाए, बंदा ये चुती ना पिट्टू गरम में होता भी है वैसे ये। हां फिर भी लोग उसके पीछे तो बॉल, फुटबॉल। यस ये ब्रेन बूस्टर का असर है और कुछ भी नहीं है। हम अपने अपने ढूंढ लें और चलिए यूं कर लेते हैं कि सानिया जी का आ गया, ये मेरा ठीक है। पहले सानिया जी, सानिया का था। एक शख्स है जो कराची में रहता है, उसको लाहौर में क्यों नहीं दफनाया जा सकता? शख्स है जो कराची में, तो उसका डोमिसाइल कराची का है, जॉब नहीं दिलानी उसको। एक शख्स जो कराची में रहता है उसे, क्योंकि वो जिंदा है, उसे क्यों दफनाया जाएगा? वो कौन सी डिश है जो हम खुद बनाते हैं लेकिन खाते कभी नहीं? शिश, शिश। उसका ताल्लुक निंजा कार्ड मारूंगा ट्रिमिंग हो जाएगी आपकी, मैं बता नहीं ट्रिमिंग हो उसका ताल्लुक नहीं यार क्या यार नहीं आप बता दिया आज बता दिया और एक्टिंग देखिए अभी भी नहीं समझ आया, अभी भी क्यों नहीं समझ आया? लाओ समझ आ यार, ये तो आपने बता दिया यार, जो पकता एक्चुअली नहीं है मगर हम पका रहे होते हैं। यार बुलाओ यार, क्या हो रहा है? अच्छा एक और कार्ड कर लेते, एक और कार्ड कर लेते। ये अनफेयर था, मैंने चीटिंग की है, ये एक चीटिंग हो गई, आप दोबारा पूछ लीजिए। ठीक है ठीक, आप के साथ मुझे वो कहना चाहिए जो तारिक अजीज जोड़ों के साथ नहीं करता था कि इन्हें जरा चौक में ले जाओ, इधर से मैं सवाल जवाब करूं पीछे पे क्यों नहीं बता? आपने देखा कभी तारिक अजीज जो गए हैं? नहीं हम बचपन से तारिक अजीज शो देखते। अरे मेरे दोस्त के साथ वहां बड़ी एक ट्रेजेडी हो गई ना, वो गया पहली दफा, उसने बड़ा वो खुश था तो उसने वीडियो कैमरा निकाला और अभी जब दोबारा उन्होंने शूट किया, उसने वीडियो बनाई शुरू कर दी। तारिक साहब की कोई नजर है इस उम्र में भी? उन्होंने कहा ये जो लड़का सामने बैठ के वीडियो बना रहा है इसको तो बाहर निकालिए। इसको बाहर निकाल दिया शो के शुरू में बेचारे को, तो उनकी नजर वजर बड़ी तेज है। पेनल्टी पड़ रही है मुझे कोई? हाँ ना पेनल्टी पड़ रही है ना। वो कौन सा खेल है जिसमें जीतने वाले पीछे जाते हैं हारने वाले आगे जाते हैं? वो जो होता है रस्से वाला, रस्सा कशी। चलिए जी आखिरी है टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर ये आखिरी है जी, आप दोनों को मैं ही दे देता हूँ। बस ठीक है, हो गया जी। साने जी, व्हाट डू यू सिट ऑन, स्लीप ऑन एंड ब्रश योर टीथ विद? सिट ऑन, स्लीप ऑन, ये बिल्कुल बत्ती ऑफ हो गई है। आपने आपका सवाल ही नहीं, आपकी बत्तियां क्यों जल रही हैं? खामखा शादी हो रही है यहाँ पे, इतनी बत्तियां जलाई हुई हैं, बिजली है नहीं मुल्क में, ये हाल है देखिए हमारे सीनियर एक्टर्स का। पांच चार तीन ओके सिट ऑन अ कुशन, स्लीप ऑन अ पिलो एंड ब्रश माय टीथ विद अ ब्रश। वेरी गुड, अगर दो आदमी 100 रुपए में गंजे होते हैं तो 10 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 100 में ही होंगे। गंजे क्यों गंजे होंगे भला? अरे क्या बराबर चले हैं दोनों। अच्छा ये है बाबा, दोस्ती हो तो ऐसी हो गई। बहुत आला। वैसे तो हमारे यहाँ हारने वाले को इनाम दिया जाता है, क्योंकि इनाम में हम देते हैं इसी मशरूब की बड़ी बोतल, क्योंकि ये ब्रेन बूस्टर है और इनके लिए बहुत जरूरी होता है हारने वालों के लिए, ताकि वो आगे जिंदगी में कभी ना हारें। लेकिन अब आप लोगों का ये है कि आप इसे आधी आधी कर लीजिएगा, लेकिन खुदा के वास्ते तलवार से ना आधी आधी कर लीजिएगा, सब सीख जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हमको इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? और एक मिनट का आपके पास टाइम है, आप एक स्पीच भी दे सकते हैं छोटी सी, एक्सेप्टेंस स्पीच। हमने ये बहुत हम हम्बली इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को इसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एज यू सॉ we have each other. Oh ho! Oh ho! जब ये इतना हंस खेल रहे हैं तो हम मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
आइए प्लीज तशरीफ लाइए और हम सोफा पर बैठ के अपना बाकी शो चलाएंगे। चाय ले जा सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, चाय बिल्कुल ला सकते हैं।